दोस्तों एक बार फिर आपको भी मिल सकता है माल्टा का वर्क वीजा। जी हाँ, माल्टा में इस वक्त बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। क्लीनर, वेटर, बारटेंडर, फ्रंट ऑफिस, सेल्समैन की जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन में आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर दोस्तों, और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है जिन जॉब्स के लिए आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं अपने घर बैठे इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, और इनके लिए जो है आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जाना है और दोस्तों और जॉब्स के जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के सीवी कवर लेटर अपलोड करके जॉब अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, जिस तरीके के जरिए जो है आप भी माल्टा में अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी आपको जॉब पोर्टल्स के बारे में बताने वाला हूँ और बहुत सारे आपको रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिन वेबसाइट्स के जरिए आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, माल्टा में काम करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको ना ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। साथ ही आपको कोई अंग्रेजी टेस्ट नहीं देना पड़ता है दोस्तों, और सैलरी वगैरह तो अच्छी है ही, ये आपको ऑलरेडी पता है। साथ ही आपको यूरोप जाने का मौका मिलता है दोस्तों, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप भी माल्टा की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप करियर जेट जैसी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर माल्टा पार्क जैसी वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों। वर्क इन माल्टा, जॉब्स इन माल्टा जैसी वेबसाइट्स भी आपको मिलेंगी, जिन वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग टाइप की जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद अगर माल्टा में और जॉब सर्च करना चाहते हैं तो लिंक्डइन और इंडीड जैसी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं दोस्तों, और इन वेबसाइट्स पे आपको जो है अच्छी खासी जॉब्स मिलेंगी। ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं ग्लोबल वेबसाइट्स हैं दोस्तों, जिन पे ना सिर्फ माल्टा बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहीं कभी मतलब किसी भी देश की जॉब्स ढूंढ सकते हैं दोस्तों आप। उसके बाद एक और वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों माल्टा में जॉब्स के लिए, जिसका नाम है कनेक्ट। जी हाँ, आप कनेक्ट पे भी माल्टा की जॉब्स ढूंढ सकते हैं। ये सारी की सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे लोकल लोगों के लिए भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं दोस्तों, और फॉरेन वर्कर्स के लिए भी अवेलेबल होती हैं जॉब्स। इसीलिए जब भी मैं इन वेबसाइट्स के बारे में बताता हूँ तो आपको ये भी बताता हूँ कि जॉब अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा दोस्तों। जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी जानकारी आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग जो है लिख देते हैं वहाँ पर साफ साफ, मतलब वेरीफाई कर देते हैं और स्पेसिफाई कर देते हैं दोस्तों कि द कैंडिडेट मस्ट बी इन माल्टा, द कैंडिडेट मस्ट बी ए माल्टी सिटीजन वगैरह वगैरह, द कैंडिडेट शुड हैव एन यू वैलिड पासपोर्ट वगैरह वगैरह। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप जो है उन जॉब्स के लिए अप्लाई मत कीजिएगा दोस्तों। और जिन जॉब डिस्क्रिप्शन पर ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, आपको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है डायरेक्ट, अप्लाई कर दीजिए ठीक है, बिना सोचे अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसके 50-50 चांसेस ये हैं कि वो फॉरेन वर्कर्स के लिए है या फिर लोकल लोगों के लिए। तो जहां पर भी ये सारी चीजें नहीं लिखी, अप्लाई करना बनता है दोस्तों ठीक है। साथ ही आपको सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर खुद के लिए बना लेना होगा। अगर आप वो खुद से बनाना चाहते हैं बिना किसी को एक रुपए दिए, तो आप हमारे चैनल पर अवेलेबल वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। मैंने उसमें बताया है कि 5 मिनट में आप मोबाइल से कैसे अपना यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी कवर लेटर बना सकते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आकर के अटकती है दोस्तों कि आप अगर प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं तो प्रोफेशनल का काम किसी और तरीके का होता है दोस्तों। प्रोफेशनल आपको जो काम करके देगा वो आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ठीक है। बहुत सारी रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स भी हैं दोस्तों, रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं दोस्तों माल्टा में अवेलेबल, जो कि फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं और माल्टा के एम्प्लॉयर्स के अंडर जो है लोगों को पोस्ट करती हैं और प्लेस करती हैं दोस्तों। अगर सपोज वहां पर किसी एम्प्लॉयर को अपने अंडर जो है कोई एक बंदा चाहिए और वहां पर कोई माल्टा का बंदा मिल नहीं रहा, उनको यूरोपियन यूनियन का बंदा मिल नहीं रहा, तो वो हायर करेंगे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को, उनको पैसे देंगे कि भैया लो मेरे लिए जो है एक क्लीनर लेकर के आओ ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या करेगी, अपने वेबसाइट पर जॉब्स पोस्ट करेगी दोस्तों, और उन जॉब्स के लिए जो है दोस्तों आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं माल्टा में जो लोगों को हायर कर रही हैं अफ्रीका से, यूएई से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से। तो आपको भी उन वेबसाइट्स के अंडर जो है जॉब अप्लाई करने का मौका मिल सकता है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये फ्री होने वाला है ठीक है। साथ ही अगर आप इन वेबसाइट्स को, इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को ढूंढना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। गूगल पे जो है पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त यहां पर लिखा हुआ है dear.government.malta, ये माल्टा की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है दोस्तों। यहां पर आपको जो है लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज ठीक है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हियर टू एक्सेस द लिस्ट। यहां पर पूरा का पूरा जो है लिस्ट दिया गया है दोस्तों, आप जो है हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं लिस्ट, और वहां से एक्सेस कर सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, और वहां से जो है एजेंसी की ईमेल भी निकाल सकते हैं अगर आपको ईमेल चाहिए। तो यहां देख सकते हैं लिस्ट ओपन हो चुकी है, शायद आपको ना दिख रही हो दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए।
थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है दोस्तों। एजेंसी का नाम दिया गया है, उसके बाद एजेंसी का रिन्यूअल का डेट दिया गया है दोस्तों, उनके प्रॉपर्टी का एड्रेस दिया गया है कि वो एड्रेस कहाँ पर है, लोकेलिटी, पोस्ट कोड और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों। आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, नेम दिया गया है वहाँ पर, एचआर वगैरह जो भी है उनका, उसके बाद उनका सरनेम दिया गया है दोस्तों, ठीक है, उनका ईमेल आईडी भी दिया गया है दोस्तों। तो आप ईमेल आईडी पे ना अपना सीवी का लेटर सेंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है बहुत इजी होता है, आप यहाँ से अपने लिए लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये लिस्ट अगर आपको चाहिए दोस्तों तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट के लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से लिंक ओपन कीजिए, डायरेक्ट एजेंसीज की लिस्ट को डाउनलोड कीजिए दोस्तों और आप जो है इन एजेंसीज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने का तरीका क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सपोज इनमें से कोई भी एक एजेंसी पकड़ लेते हैं हम दोस्तों, यहाँ बेल्फा सर्विसेज है, तो बेल्फा सर्विसेज को ऐसे नाम को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो है गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर के पेस्ट करना है दोस्तों, पेस्ट करने के बाद जो है उनकी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी और उनके वेबसाइट पे जाकर के आपको जो है चेक कर लेना है दोस्तों कि क्या वहां पर जॉब अवेलेबल है फॉरेन वर्कर्स के लिए कि नहीं है, ठीक है। अगर जॉब मिलती है तो अप्लाई कर देना दोस्तों, याद रखिएगा यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी ही इस्तेमाल कीजिएगा, अगर वो नहीं है तो अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। इतनी सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इन सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के अंडर आपको जॉब मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के अंडर आपको जॉब ना मिले, तो कोई बात नहीं, दूसरी पे जाइए, तीसरी पे जाइए, चौथी पे जाइए दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अगर आप एजेंसी को पैसा नहीं देना चाहते हैं, अपने पैसे बचाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो है समय निकालना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारे लोग गूगल पे जो है और यूट्यूब पे जो है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जो है ऐसी ऐसी रीले चला देते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, बिना इंटरव्यू के आपको माल्टा जाने का मौका मिलेगा, इतने पैसे, इतनी सारी जॉब निकली है, जल्दी से नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। तो प्लीज़ इन सारे रील्स के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, इन सारे शॉर्ट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ये सारे जो है मोस्टली फ्रॉड होते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं या इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। बिना इंटरव्यू के कौन सा होता है भाई जॉब, है आपको देख करके, अरे हाँ, अरे ये तो हमारे चाचा का लड़का है, इसको रख लो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो ऐसा आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए ना कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, तो भैया डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेटर किसी को नहीं मिलता है। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट लेटर कहीं एजेंसी से मिल भी रहा है तो आप पहले उस एजेंसी के बारे में पता करो। बहुत सारे लोग मुझे भेज रहे थे कि सर देखिए मेरे को ये इन्विटेशन लेटर आया है, ये आया है, वो आया है, तो भैया पहले उस एजेंसी के बारे में पता करो, या फिर जिस भी वेबसाइट पर आपने अप्लाई किया उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लो। अगर पता करने के बाद आपको पता चल जाता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसके फीडबैक्स के बारे में पता करो, पता चल जाता है तो ठीक है, आप मतलब पेमेंट वगैरह जो भी वो मांग रहे हैं कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज पेमेंट मत करना प्लीज़, ठीक है। भले ही वो 1,000 रुपये क्यों नहीं मांग रहे हो, भले ही 2,000 क्यों ना मांग रहे हो दोस्तों, 2,000 रुपये भी मेहनत से आते हैं, प्लीज़ मत पेमेंट करना, ठीक है। और ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेटर के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, इसीलिए आज के थंबनेल में मैंने ये लिखा था ताकि मैं आपके जो है दिमाग के पर्चे खोल सकूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं भाई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल जाएगा, इंटरव्यू ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में आपको बता दिया, कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं दोस्तों वो बता दिया है आपको मैंने, आपको वेबसाइट्स के बारे में बता दिया है दोस्तों कि कहाँ कहाँ जाकर के आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।